श्री शिवाय नमस्ते बहन दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन आप व्रत जरूर करें, चाहे भले दिन भर खाते पीते रहें, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने से पाप, दुख, रोग और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको एकादशी का व्रत आपके मरने के बाद भी उसका फल देता है, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, भगवान के द्वार में आपका प्रवेश होता है। तो दर्शकों, आज एकादशी के उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। दो तीन उपाय हैं, इनमें से कोई एक भी उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, चाहे वह समस्या व्यापार संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, या बीमारी संबंधी हो, या फिर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आप यह उपाय जरूर करें। सबसे पहले आप उठते से ही स्नान वगैरह कर लें, काम आदि को करने के बाद में, उसके बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के आप एक लोटा जल मीठा करके जरूर समर्पित करें। साथ ही आप पीपल की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा 11, 21, 51 कर सकते हैं। पीपल पर जल चढ़ाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते रहें, जय मां लक्ष्मी का स्मरण करते रहें, और शाम के समय भी जाकर के आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। घी का दीपक आपको कर्ज मुक्ति दिलाएगा, आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति कराएगा। तो आप यह उपाय अवश्य करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप एक रुपए का सिक्का हो या फिर आप जो भी पैसे दक्षिणा के रूप में वहां पर समर्पित करते हैं भगवान की मूर्ति के सामने, उन पैसों को उठाकर अपने तिजोरी में अवश्य रखें। हर एकादशी को उन पैसों को उठा करके उनकी पूजा करें और तिजोरी में रख दिया करें। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से प्रवेश करेंगी और आपके घर में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी आप पर कर्ज है वह उतर जाएगा। किसी से आपको कर्जा लेना है तो वो भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहिए। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के समक्ष एक नारियल का भोग लगाना चाहिए, साथ ही खीर का भोग भी लगा सकते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा में आप खीर का भोग अवश्य लगाएं। सत्यनारायण व्रत कथा भी सुन सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है इस दिन, और खास करके विशेष ध्यान रखें कि तुलसी को जरूर जल चढ़ाएं, तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी को जल चढ़ाते समय तुलसी के जल में आपको काले तिल, कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा जरूर डाल लेना है और तुलसी की जड़ में उस जल को समर्पित करना है। साथ ही आप लाल फूल, पीले फूल भी समर्पित करें और तुलसी के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप एक दीपक जरूर समर्पित करें। तो दर्शकों, एकादशी से जुड़े बहुत से उपाय हैं जो हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। पूजनीय गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय भी डाल रखे हैं, तो उन्हें भी अवश्य देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।